चलो आगे का स्टार्ट करते हैं। अपन ने यहाँ तक कवर किया था ना, मैन पावर स्ट्रेटजी, मैन पावर स्ट्रेटजी, एक्वायर एंड शार्पन द टैलेंट, डेवलप द जनरल एबिलिटी, मेक द यूज़ ऑफ देयर इनर पोटेंशियल, डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। और इसके अंदर मैंने तुम्हें दो चीज़ें बताई थी कि अचीव कैसे होने वाला है, प्रॉपर स्टाफिंग नीड से और तुम्हारा इंसेंटिव नीड्स के साथ। ये दो चीज़ों के साथ तुम्हारे मैन पावर स्ट्रैटेजी पूरी हो जाएगी। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एचआर स्ट्रैटेजी में ब्रिंग टू बियर ऑन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि एचआर का क्या रेलेवेंट रोल है, ये अपने को बताना है। एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है? इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, पॉइंट ऊपर नीचे तुम कैसे भी लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन पहले समझ लो, पूछ क्या रहा है। इंपॉर्टेंट फीचर विच ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी में ब्रिंग, यानी ह्यूमन रिसोर्स एचआर स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए तो उसके इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि एचआर स्ट्रेटजी तुम लेकर आ गए उससे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है तुम्हें, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एचआर स्ट्रेटजी से क्या क्या एक्सपेक्टेड है तुम्हें। बात समझ में? एचआर स्ट्रेटजी से जो तुम्हें एक्सपेक्टेशन है वो बतानी है। पहला, ओरिएंटेशन ऑफ मेंबर्स। ओरिएंटेशन ऑफ मेंबर्स का मतलब क्या है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को जो रिक्वायरमेंट है वो ये एचआर डिपार्टमेंट फुलफिल करवा के दे, तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्स जो लोग हैं वहां बंदे काम करते हैं उनको प्रॉपर ओरिएंटेशन दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल कैसा होता है, जब मैं बिग फोर में गया था आईपीसीसी क्लियर करने के बाद, सी आईपीसीसी क्लियर करने के बाद उनके 5 राउंड ऑफ इंटरव्यू वगैरह सारी चीजें हो गई, वो तो चेकिंग कर लिया उन्होंने कि ये बंदा हमारे लायक है या नहीं, ये बात तो ठीक हो गई। उसके बाद वो लेकर गए ओरिएंटेशन के लिए, तुम सोचो किधर लेकर गए होंगे, जरा देखते हैं रफली क्या लगता होगा। ओरिएंटेशन माने कि ट्रेनिंग देते हैं, बेसिक ट्रेनिंग, किधर लेकर गए होंगे ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सेंटर। उनका ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता है, हमारे केपीएमजी में ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, वो लेकर गए ताज होटल में 3 दिन के स्टे के लिए, मस्त एकदम ताज। वो भी कौन सा, ये अपना कौन सा है, ये लैंड्स, ताज लैंड्स एंड है ना, ये बैंड्रा में वो ताज हेरिटेज, बड़ा वाला नहीं, जो दूसरा दूसरा वाला है, मतलब वो भी अच्छा ही था। तो वहां पे लेकर गए 3 दिन के ओरिएंटेशन के लिए। भाई मैं क्या बोलता हूँ, क्या अय्याशी रहती है वहां पे, यानी कि पीने के लिए सादा पानी नहीं रहता, मिनरल वाटर जैसी छोटी चीज, स्प्रिंग वाटर रहता है वहां पे। स्प्रिंग वाटर मालूम तुमको क्या होता है? किसी को मालूम है स्प्रिंग वाटर क्या होता है? स्प्रिंग वाटर ऐसा पानी रहता है ना जिसको विदाउट प्योरिफिकेशन, विदाउट फिल्ट्रेशन डायरेक्टली लेता है ये स्प्रिंग, यानी कि नेचुरल पानी रहता है, उसको कलेक्ट करके डायरेक्टली बॉटल में लेके तुमको देते हैं, ऐसा पानी था उसके अंदर। खाने के लिए तो तुम बोले आह क्या रहती थी चीज़ है, और रहने का तो तुम छोड़ दो। मैं पहली बार कम से कम 1.5 घंटा तो नहाया वहां पर यार, ऐसा जकूजी था उसके अंदर, ऐसे हम लगभग 70 से 80 लोग थे, सबको सेपरेट रूम वगैरह दिए गए। अच्छा, मेन इंटेंशन उनका वो नहीं था कि इन लोगों पे खर्चा किया जाए, मेन था ओरिएंटेशन, कल्चर समझाया जाए कि हम तुम जब तक तुमने काम करना चालू नहीं भी किया है तब भी हम तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्वालिटी के लिए कितने अश्योर्ड रहते हैं। तो फिर वो शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग सेशंस की वहां पे, कि इस तरीके से ये करना रहेगा, क्लाइंट आएगा तो ये रहेगा, हमारी हायरार्की ये रहेगी। तो बेसिकली ओरिएंटेशन यानी कि तुम्हें स्टार्टिंग में करना क्या है वो चीज समझाई जाएगी। खैर उनके तरीके अलग रहते हैं, पैसा बहुत तगड़ा खर्चा करते हैं वो उसके अंदर, तुम जरा सोचो ना ताज का 1 दिन का खर्चा कितना होगा, 6-7 हज़ार रुपये पर हेड तो मान लूँ मैं 1 दिन का आराम से होगा, खाने का, ट्रेनिंग रूम का और फिर रहने का सब कुछ मिला के ऑन एन एवरेज 5-6 हज़ार रुपये पर डे 3 दिन का। आप खर्चा देख लो उन्होंने कितना किया, ऑलमोस्ट 70 लोग थे, 70 × 3 डेज इंटू लगभग 7,000 पकड़ लो ऑन एन एवरेज, कितना होता है ये 2,10,000 × 21 × 7 कितने होते हैं, 8,40,000 होना चाहिए, कितना होगा 14,70,000। इतना खर्चा उन्होंने किया बेसिकली सिर्फ कल्चर बताने के लिए कि हमारा कल्चर ये है। तो यहां पर एचआर स्ट्रेटजी का सबसे बेसिक एम क्या रहता है, मेंबर्स का ओरिएंटेशन किया जाए। तो तूने भी काम किया, कौन सी इसमें काम किया तूने, टाटा, तेरा भी ओरिएंटेशन हुआ होगा पक्का, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी होगी, किर्लोस्कर में भी तेरा ओरिएंटेशन हुआ, सबका तरीका अलग रहता है।
अब तुम्हें ग्राउंड लेवल पे काम करना है, तुम्हें कंपनी में ही काम करना था, इसलिए तुम्हारा ओरिएंटेशन इतना हाई फाई लेवल का नहीं होगा। हम क्लाइंट प्लेस पे ही रहते थे हमेशा, तो हमें वो सारे कल्चर एड गए। तुमको मालूम है खाना कैसे, ये स्पून वगैरह कैसे पकड़ना, ये तक सिखाया जाता है वहाँ पे। ओरिएंटेशन में सिर्फ तुम्हें ज्ञान नहीं देते हैं, वो प्रैक्टिकली कैसे करना है। और फिर क्या करते हैं, तीसरे दिन ना ऐसा तुम्हें छोड़ देते हैं, जो जो करना है करो। और बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ पे, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते, जिनकी सैलरी 6-7 करोड़ रहती है। पहले दिन उनके बारे में सब बता देते, ये वो है ये वो, और तुम तीसरे दिन उसको देखते हो। फिर वो 3 दिन जो तुम्हें सिखाते हैं ना, ये लोग जज करते हैं तुमको बेसिकली। और फिर बाद में अगर हम में कुछ कमी रह जाती है ना, तो फिर वो बताते हैं कि नहीं तुमने ऐसे नहीं, ऐसे अलग किया, गलत किया, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो ओरिएंटेशन ज़रूरी है, ताकि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुम केपेबल हो, फिट हो रहे हो या नहीं, ये पता चल जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था ना, तो इसके अंदर 6-7 बुलेट्स हैं, उन्होंने सिर्फ हेड पॉइंट्स लिखे हैं, अंदर का कुछ नहीं लिखा है। ऐसा हो सकता है एग्जाम में भी तुम्हें अंदर का मटेरियल कंटेंट याद ना आए, तो लिखना मत। अगर इसमें से 7 में से 4 पॉइंट का भी तुम्हें कंटेंट लिखना आया, तो लिख देना। अगर 4 से भी कम का कंटेंट लिख रहे हो, सिर्फ 1-2 का आ रहा है, तो किसी के लिए भी मत लिखना, सिर्फ बुलेट 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 लिख देना। तो पहला इसके अंदर क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ मेंबर्स। द ह्यूमन रिसोर्स HRM स्ट्रेटजी हैज टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव नेसेसरी ओरिएंटेशन, यानी कि उसको बेसिक नॉलेज स्टार्टिंग का दे दिया जाए। ये तुम्हारी HR स्ट्रेटजी का बेसिक रहेगा। सेकेंड, फैसिलिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एज एंड व्हेन कॉल्ड फॉर। अच्छा, समझो तुम्हारी इंडियन क्रिकेट टीम है जिसने 400 रन बना दिए फर्स्ट इनिंग के अंदर, अपोजिट कौन है उनके, जिम्बाब्वे। क्या लगता है इंडिया जीतेगी या हारेगी इस मैच में? ऑब्वियसली जीतेगी। और इस समय अपना अप्रोच कैसा रहेगा बॉलर्स का, कैजुअल बॉलिंग रहेगी, कोई ज़्यादा बाउंड्री रोकने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। उनका स्कोर समझो 150 पे 7 रहेगा, और 35 ओवर्स हो गए होंगे, फिर भी अपन कुछ ज़्यादा ऑल आउट करने के इस पर नहीं लगे रहेंगे। अपन अपनी बॉलिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कभी कभी धोनी को दे देंगे बॉलिंग कर ले, कोहली को दे देंगे, ये सिचुएशन। लेकिन अगर मान लो 210 रन का अपन ने टारगेट दिया और सामने ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, अब बताओ क्या होगा अपना अप्रोच। और इसमें भी स्कोर चालू है 100 पे 1, वो भी 25 ओवर, अब बताओ क्या अप्रोच रहेगा अपना। खतरनाक बॉलिंग करेंगे बेसिकली, यानी कि जैसी सिचुएशन वैसा एक्ट करते हैं। यहां भी बुमराह, यहां पर भी कोहली है, सारे प्लेयर्स यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, पर अप्रोच चेंज हो जाता है जैसे सिचुएशन रहती है। वही HR स्ट्रेटजी का काम है कि अगर मान लो ऑटोमोबाइल, किसी के मम्मी या पापा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कोई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ना स्लो डाउन चालू है, स्लो डाउन चालू है बहुत। तो बेसिकली अंदर जो उनका कल्चर है ना, चेंज होते जा रहा है। तो वो जो चेंज है वो मेंबर्स तक पहुंचाना, फैसिलिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एज एंड व्हेन कॉल्ड फॉर, जब जरूरत पड़े उनसे वैसा काम करवा के लिया जाए। जरूरत पड़े अगर मान लो रातों रात तुमको, तुम्हारी हैबिट है कि 1,000 शर्ट तुम दिन में बना लेते हो, पर अगर 2,000 शर्ट का ऑर्डर आए तो तुम क्या करोगे, खुद की कैपेबिलिटीज को स्ट्रेच करोगे और 2,000 शर्ट पर डे के हिसाब से बनाना चालू कर दोगे। इसका मतलब है जब जब चेंज चाहिए रहेगा अपने को, तब तब वो चेंज फैसिलिटेट करे, जब जब चेंज रिक्वायर्ड रहेगा तब तब वो चेंज ला कर दे तुम्हें। ये भी HR का काम है। तुम सोचो ना, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में लेट से ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ये तू HR डिपार्टमेंट में, तुम सेल्स में हो, तुम मार्केटिंग में हो, तुम परचेज डिपार्टमेंट में हो, और तुम लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में हो। अब जो भी चेंजेस रहेगा तुम कम्युनिकेट किससे करोगे, ये ह्यूमन से जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसी से रिलेट करोगे, तो वो HR डिपार्टमेंट से। तो जब भी तुम्हें ज्यादा वर्कफोर्स चाहिए, कम वर्कफोर्स चाहिए, किसके पास जाओगे तुम, HR डिपार्टमेंट के पास जाओगे। तो यही बोल रहा है, जो चेंज अगर ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, फुलफिल करने का काम HR डिपार्टमेंट का। दो चीजें, पहला ओरिएंटेशन करेगा, दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ चेंज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है कोपिंग विद डाइवर्सिटी ऑफ वर्कफोर्स। अच्छा, तुम कौन सी कास्ट की हो, हिंदू मराठा, क्या पसंद है तुमको, म्यूजिक वगैरह, हॉबीज क्या है तुम्हारी? तुम लोगों को कुछ ऐसे सडनली पूछ लिया ना, सब भूल जाते हो, है मैं पैदा क्यों हुई, यहां से तुम शुरुआत करते हो। हाँ, प्लांटिंग, झाड़ लगाना पसंद है, ठीक है। और स्वभाव कैसा है तुम्हारा, एग्रेसिव है, इंपल्सिव डिसीजन लेती हो, या सोच समझ के शांति से काम करती हो? अब जानूची सब अपनी तारीफ करेगा, ये भी बोलेगी मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलो मान लिया, मयूरेश तेरे बारे में क्या स्वभाव के बारे में बोलेगा,
वर्सटाइल है तू, ठीक है? देखो क्या पसंद है म्यूजिक वगैरह में, या हॉबी क्या है तेरी? लैंग्वेज सीखना। अच्छा देखो, तुम दोनों अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, तुम्हारा नेचर बिल्कुल अलग है, तुम्हारा नेचर। हाँ, अब तुम्हारा नेचर बताओ, बताओ बताओ सर। पहले कास्ट बताती हूँ, क्षत्रिय हूँ, बाकी का हम सब समझ गए। मार धाड़ करना पसंद है मेरे को, ठीक है? सॉफ्ट म्यूजिक नहीं पसंद, ईडीएम पसंद है एकदम, वो क्या बोलते हैं, बीट ब्रेकिंग। हाँ, और हॉबीज के टाइम क्या? बॉक्सिंग है। और डिसीजन कैसे? इंपल्सिव, सामने कोई आया तो कर दूंगे, नहीं तो काट डालूंगे। अब इन सबको मैनेज करके कैसे चलना है, तेरा काम है। तो ये जो वर्कफोर्स में डाइवर्सिटी है ना, वर्कर्स के अंदर जो डाइवर्सिटी है, इसको मैनेज कौन करके चलेगा? तू, समझो। झाड़ लगाने इनको बुलाएगा, पंगा हो गया इसको बुलाएगा, कोई नया लैंग्वेज सीखने आए इसको बुलाएगा। तो देखो मैनेज भी करके चलना है। अच्छा, इनके आपस में भी झगड़ा हो गया, देखो संभालना है, समझ रहे है? हाँ विशाल, देखो क्या पसंद है, देखो क्या पसंद है, एग्रेसिव है, ठीक है? यानी तू इंपल्स डिसीजन लेता है, बॉस ने तेरे को कुछ बोल दिया, अथर्व समझ बॉस है, तो तू पहले उसका मुंह तोड़ के आएगा, बाद में बोलेगा यार वो तो सही था, है ना? फिर जॉब से तू भी हाथ खो बैठेगा। तो ऐसे समय तेरे को कौन मैनेज करके चलेगा? ये। अब तू उसके साथ एग्रेसिव हो गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं, एग्रेशन आता कहां से है? नहीं, देखो दो तरीके होते सिचुएशन को हैंडल करने के, एक एग्रेसिव जिससे कुछ भी नहीं मिलता, और दूसरा मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में, वो वाला बिहेवियर, कैजुअल एटीट्यूड, वो भी नहीं चलता। एग्रेसिवनेस मतलब मेरे को आज तक ना कभी समझ में नहीं आया। एग्रेसिव सबको दे दे, जितने आए नोट्स, जिसको मिला सो मिला, एक एक बेंच पर एक एक दे दे, सिर्फ कलर नोट्स देता हूँ बाद में। एक दो तीन चार पाँच, हाँ जाए मिल जाए, दे दे। एग्रेसिव से कुछ नहीं मिलता, मैं ये बोल रहा हूं। अभी ऐसा टाइम आने वाला है ना, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ग्लोबल ब्रेकडाउन आने वाला है, इतना भयंकर क्राइसिस आने वाला है ना, अभी रिसेशन के टाइम पे। उस टाइम पे अगर जो बंदा एग्रेसिव रह गया, नहीं, एग्रेशन इज गुड, लेकिन जब तुम ऊपर के लेवल पे हो, एग्रेसिव लोग ही दुनिया को आगे ले जा सकते हैं। पोलाइट लोग जनरली फॉलोअर्स रहते हैं, मानो या ना मानो, एग्रेशन चाहिए, लेकिन राइट टाइम पे। पहले स्टार्टिंग में अपनी जगह बनाने की, कोई भी जगह, मैं तुमको टैक्टिस बता रहा हूँ, जिंदगी में ना सबसे पहले अपनी जगह बनाओ, फिर इंपॉर्टेंस क्रिएट करो, और फिर लेवल पे ऊपर जाओ, और फिर तुम एग्रेशन भी दिखाओगे ना, लोग तुम्हें अडोर करेंगे, बोलेंगे यार सही है इसके अंदर, ये एटीट्यूड होना चाहिए। अभी अपना लेवल छोटा रहेगा और अपन एग्रेशन दिखा देंगे, लोग बोलेंगे है ही नहीं इसके पास कुछ, और ये इतना ज़्यादा बज रहा है, ठीक है? और ऊपर के लेवल पे गए ना, तो फिर बंदा बोलता नहीं ऐसा ही एग्रेसिव होना चाहिए, फिर तुमको लोग फॉलो करते। जैसे कोहली है, कोहली एग्रेसिव है ऊपर के लेवल पे और टॉप पे चलता है, लेकिन ऋषभ पंत को क्या बोलते हैं अपन, हवला बावला कुछ भी बोलते हैं। ऋषभ पंत देखा ना, कुछ भी करता है, वो भी एग्रेसिव टाइप ही है, लेकिन काम का नहीं। ईशांत शर्मा भी एग्रेसिव था, लेकिन किधर था, वो बॉटम पे था, निकल रहा है बाहर, कभी आता है कभी जाता है। एग्रेशन टॉप पे दिखाना, ये एग्रेशन अपना हमेशा अंदर रखना, हमेशा मत रखना, जब टॉप पे जाओ तभी रखना, बाकी टाइप सुन के लेने का लोगों की। तो ये डाइवर्सिटी कौन मेंटेन करके चलेगा? तू मैनेज करेगा। तेरा काम काम क्या, तेरा क्या क्या काम है? ओरिएंटेशन, दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, तीसरा है कोपिंग विद डाइवर्सिटी, चौथा है मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स इन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। बाप रे, मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स इन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। अभी वसुंधरा की आदत है, जब देखो तब अगर उससे अपन ने पूछा ना, ज्यादा काम करेगी क्या, लेट सेटिंग करेगी क्या, बोलते नहीं मैं जॉब छोड़ के चली जाऊंगी। हर बार एक डायलॉग में मैं जॉब छोड़ के चली जाऊंगी। अपन ने इससे पूछा प्रणव से, प्रणव काम करेगा, हाँ बोलता मैं बैठ जाऊंगा, मेरे को सिर्फ डिनर दे दो यहाँ पे, मैं तो यहाँ सो भी जाऊंगा। बट अब देखो लड़के लोगों का है ही ऐसा। अच्छा सैटरडे को तुमको कॉम्प ऑफ वगैरह मिलता था क्या, अगर सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा काम किया? नहीं, पर वाईफाई खाना वाना कुछ तो परक्विजिट होगा ना संडे को काम करने का, तो एटलीस्ट वो टेम्पटेशन में अपन बैठ जाते थे। इससे पूछा बैठेगी कि नहीं मैं बैठूंगी, अब भी रेजिग्नेशन लेटर हाथ में ले जाएगी, तो हम क्या सोचेंगे, जैसे ही हमको कोई एलिजिबल बंदा मिल गया इसको सबसे पहले निकालेंगे। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना भी इसी का काम है, कि कंपिटेंट और कमिटेड, एकदम कंपिटेंट और कमिटेड वर्कफोर्स रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव नेचर का एनवायरमेंट हो रहा है, तो इतने भयंकर कॉम्पिटिशन में हमारे पास हमसे जुड़ा हुआ कमिटेड बंदा हमारे साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आए दिन हमको धमकी दे, मैं छोड़ के चले जाऊंगा जॉब वगैरह वगैरह, पता नहीं तुम क्या सोचे।
नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी की एक छोटू सी फोटो दिखाता हूं, एक्चुअली वैसा नहीं होता है कोर कॉम्पिटेंसी, पर फिर भी ये देखो अंदर से कॉम्पिटेंसी निकल के आ रही है, ज्वाला निकल के आ रही है, अग्नि आग निकल रही है तुम्हारे अंदर। यानी कि एक ऐसा एरिया जिसके अंदर तुम बेस्ट हो, तुम बेस्ट हो। यानी कि मेरे अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ टैलेंट जो मेरे को नहीं मालूम, वो तू ढूंढ के निकालेगा, ये एचआर का काम है। सही ये बोल रहे, बाकी देर आर अदर रोल्स लाइक मेकिंग रंगोली, आस्किंग फॉर कंट्री, वो सारी चीजें छोड़ के मेरे अंदर का जो टैलेंट छुपा हुआ है, जो मर चुका है, उसको तू ढूंढ के निकालेगा। यू नीड टू अपलिफ्ट माई कोर कॉम्पिटेंसी। देखो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कोर कॉम्पिटेंसी रहती है, उसको अपलिफ्ट करके ऊपर लेकर आना, ये काम किसका है? तो एचआर वाले जिसको रंगोली थोड़ी बहुत बनाने आती है, उससे पूरी रंगोली बनवाते, तो ये भी तो कोर कॉम्पिटेंसी निकलवा रहे तुम्हारी। समझ में आया विशाल? तो ये भी तेरा ही काम है, डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। तेरे से क्या करवाया था अथर्व? कुछ करवाया ऐसा है? लेकिन एटलीस्ट ट्रेडिशनल वेडिशनल तो पहन के जाना पड़ता होगा, उतना तो कुछ तो होगा। ऑर्केस्ट्रा? अच्छा तो तुम जब हॉबीज लिखते हो ना, सोच समझ के करना, नहीं तो मेरे को झाड़ लगाना पसंद है। बारिश का सीजन आया, चल सुष्मिता लगा लेते हैं अपन झाड़ लगा, तेरे को बहुत पसंद था ना, बहुत हॉबी भी सोच समझ के लिखने का। हॉबीज में क्या लिखने का? लिसनिंग म्यूजिक, कुछ भी नहीं बोल सकता कोई। तुम बोलोगे हमको स्विमिंग आती है, तो पता चला कोल्हापुर में बाढ़ आ गई, और बोलेंगे तेरे को तो स्विमिंग आती है ना, चल तैरते हुआ। बहुत सोच समझ के हॉबीज लिखना। नेक्स्ट है Empowered workforce as an active resource. Empowered workforce as an active resource. यानी कि तुम उनको empower करो। अच्छा empower का मतलब क्या होता है? उनको थोड़े से rights दो, ठीक है, उनको थोड़ी सी power दो, उनको थोड़ी सी liberty दो। अपन बोलते हैं ना women empowerment, क्या होता है women empowerment? हाँ तीन लड़कियां, थ्री देवीज, बोलो क्या होता है women empowerment? कुछ भी करना is not women empowerment. अच्छा यानी कि जो लेजिट चीजें हैं, जो सही चीजें हैं, वो करने का फ्रीडम। तो यहां पर भी तुम एचआर डिपार्टमेंट, तू सबको फ्रीडम देगा कि जो सही है एटलीस्ट उतनी लिबर्टी है कि तुम कर सकते हो। एम्पावर्ड वर्कफोर्स एज एन एक्टिव रिसोर्स। एचआर स्ट्रेटजी इज बेस्ट मैनेज व्हेन द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इंडिविजुअली इन कंट्रोल ऑफ देयर वर्क एंड आर एबल टू रियलाइज देयर पोटेंशियल विद एम्पावरमेंट टू टेक द रेलेवेंट डिसीजन ऑन देयर ओन। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट था, विथ एम्पावरमेंट टू टेक रेलेवेंट डिसीजन ऑन देयर ओन, यानी कि उनको डिसीजन लेने की फ्रीडम दी जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लो तुम्हें डिसीजन का फ्रीडम नहीं है, तो फिर तुम खुद को नौकर की तरह ही समझोगे। सिंपल है, अगर थोड़ी सी भी लिबर्टी दे दी जाए ना, तो तुम थोड़ा सा ऐसा बॉस की तरह तो फील नहीं करोगे, बट एटलीस्ट यू विल रियलाइज कि मेरी कुछ इंपॉर्टेंस है। और ऐसे टाइम पे वर्कफोर्स टिकता है, नहीं तो वर्कफोर्स नहीं टिकता। मैं तुमको पहले ही बता दूं, वर्कफोर्स को अगर टिकाना है, लेबर को टिकाना है, तो राइट देने पड़ते हैं उसको। लेकिन इतने ज़्यादा राइट दे देने कि वो सर पे चढ़ता है, उसके बाद बहुत कुछ करता है। अपने यहाँ देखो ट्रेड यूनियन बनती है, लेबर यूनियन बनती है, क्यों बनती है? पहले राइट्स दिए अपन ने, फिर उसको मिसयूज़ करना चालू किया। अभी तुम सब लोगों को भी पहले घर वालों ने थोड़े से राइट दिए होंगे, सोचा होगा एम्पावरमेंट करते हैं, फिर देखो तुम कब बिगड़ गए, तुमको पता ही नहीं चला। है ना मयूरे? पापा ने सोचा भी नहीं, सीधा साधा। कितने लोग मानते हैं अब एटलीस्ट ये क्लास के बाद, कितने लोग मानते हैं कि सीधा साधा है? कोई भी नहीं। अच्छा इसने ऐसा किया क्या जो तुमको लग रहा है बिगड़ा हुआ है? क्या बहुत कुछ किया हुआ है? देखो कैसे पता बहुत कुछ किया हुआ है? वैसे क्या क्या उसने बहुत कुछ में किया है बोलो? ठीक है चलो, उसने 15 दिन किसी लड़की को देख लिया, इसमें बिगड़ापन कहां से आ गया? मेरे को एक बात बताओ, कहां से बिगड़ा कहलाया जाता है? ठीक है, वो इतना डेप्थ में मत बता मेरे को कि तेरे को जेन्युइनली फील हो रहा है या नहीं। मेरा कहने का इतना मतलब है, देख उसने किसी लड़की को देख लिया, कौन सा क्राइम कर दिया बेचारे ने जो तुम उसको बिगड़ा हुआ बोल रहे हो? कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया उसको तुमने, आवारा आशिक बोलना चालू कर दिया। मेरे को ये बाहर बोल रहे थे आवारा आशिक, सबसे पहले फर्स्ट बेंच पे आके बैठे, बोला कौन आवारा आशिक? बोलते मयूरेश। ये प्रणव ही बोल रहा था, प्रणव बात कर रहा था अथर्व के साथ, क्योंकि टॉपिक इसने छेड़ा था।
हाँ, टॉपिक इसलिए छेड़ा गया क्योंकि ये इसने वो टॉपिक निकाला था कि आज मयूरेश क्यों नहीं आया है, क्योंकि वसुंधरा ने पूछा था। वो ऐसा था। हाँ, सुष्मिता बाकी है ना? सुष्मिता तो चुगली करती रहती है, वो सबसे सुनती रहती है। विशाल भी बाकी है ना? विशाल सब चीजों में ध्यान देता नहीं, विशाल बीमार था बेचारा 2-3 दिन। क्या गलत किया बेचारे ने, एक बात बताओ। हाँ, टीचर थी। हाँ, वो बात सही है, गुरु गुरु थी। ओहो, तू तो पढ़ने जाता था ना, लेकिन तो गुरु ही हुई ना वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक चीज तो फिक्स हो गई कि मयूरेश सीधा नहीं है। कौन सीधा है अपनी क्लास में? वसुंधरा। वसुंधरा, तू तो रहने दे, तुझे कल से ही सीधा नहीं दिखता। ये वसुंधरा फिर भी लगती है, और बेचारी आलू गोभी खाती है, सीधी है। ओके, तो बात ये थी कि बेचारे मयूरेश को थोड़ी सी फ्रीडम क्या दे दी, एम्पावरमेंट क्या दे दी, वो टीचरों को जाके देखने लग गया, बिगड़ गया वो लड़का, तो एम्पावरमेंट का गलत फायदा उठा लिया। तो इनको थोड़ी सी पावर दे, एम्पावर्ड कर, पर इतनी भी पावर ना दे दे कि तू कल सीईओ आएगा बोले हाँ तू कौन बे, इस तरीके से बात नहीं, ठीक है, पावर दो थोड़ी सी। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट वर्क कल्चर एंड एथिकल नॉर्म। अभी उस दिन की बात है, क्लास में ये तंबाकू घिस रही थी, मैंने बोला क्लास में ये करना सही नहीं है, तो बोलती सर मैं रिवीजन तो पूरा करके आई, आपको क्या रिक्वायर्ड है मेरे को एक बात बताओ। मैंने बोला वो बात सही है, पढ़ाई लिखाई सब सही जगह रहती है, पर एथिक्स नाम की भी तो कोई चीज रहती है ना। फिर वो उसने क्या मालूम है, पता नहीं यहाँ पे क्लास में खाना छोड़ा या बाहर भी छोड़ दिया मालूम नहीं, पर तंबाकू खाते हुए पकड़ी गई थी ये लड़की। थिंग इज कि काम तो कर रहे हो, लेकिन पता चला ये तलवार लेकर घूम रही है। हाँ, फिर वापस बोलेगी दोनों इसको दे दिया। अब ये कैफेटेरिया तक जा रहा है, तू बेचारा एचआर मैनेजर है, ये कैफेटेरिया तक जा रही है, तूने इसको बोला अभी तो तूने कॉफी पी, तलवार निकाल के खड़ी हो गई, ऐसा चलेगा क्या मेरे को एक बात बताओ। और वो उधर धोती कुर्ता में आ गया, धोती में मतलब वो जैसे शेतकरी लोग पहनते, चलेगा क्या? नहीं चलता। तो ये क्या बोल रहे, एक वर्क कल्चर भी मेंटेन करो और एथिकल नॉर्म्स भी, ठीक है। पता चला तुम बिजनेस कर रहे हो यहाँ पर और अपनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बाहर किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी चीज़ गलत है। यहाँ मैं तुमको नोट्स दे रहा हूँ दो दो तीन तीन बार, और तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा कॉपी है तुम किसी और को देकर आ रहे हो, गलत है। एथिकल नॉर्म्स, समझ में आया? नो ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट द बेटर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मेंबर अनलेस इंडिविजुअल डेवलप अ लाइकिंग फॉर चैलेंजिंग जॉब एंड फॉलो द एथिकल नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनली। यानी कि एथिक्स फॉलो करना भी तुम्हारे लिए उतना ज्यादा जरूरी है, एथिक्स के बिना चीजें नहीं चलती। तुम्हें मालूम है कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, तुम्हारा भी मालूम है तुम लोगों को, फाइनल के अंदर होगा तुमको प्रोफेशनल एथिक्स करके टॉपिक होगा। प्रोफेशनल एथिक्स करके टॉपिक है तुम्हें, तुम्हें लॉ के साथ कोई टॉपिक था, एथिक्स था, उसके अंदर क्या था, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में कुछ था, बिजनेस एथिक्स, तो इन जनरल एथिक्स की बात। हमारी इंस्टीट्यूट ने भी हमारे ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट रखा हुआ है, तुम्हें मालूम है ये चीज, कोड ऑफ कंडक्ट कुछ मालूम है? अच्छा, हाँ, तो वही है ना, एथिक्स बेसिकली हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तुमने कभी सीए की एडवर्टीजमेंट देखी क्या, कि उन्होंने हीरोइन मॉडल वगैरह रख लिया और बोल रही है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो बहुत अच्छे से ऑडिट करके देता है, ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट? नहीं। तुमने कभी कोई बड़ा फैंसी सा बोर्ड देखा क्या सीए का? मेरे को तुम्हारे सीएमए का थोड़ा सा कम नॉलेज है, लेकिन सीए ज्यादातर दिखते हैं अपने को बोर्ड, तो मेरे को बताओ क्या तुमने कभी बड़ा फैंसी सा बोर्ड देखा क्या सीए का? नहीं देखा। एक छोटा सा व्हाइट कलर का ही बोर्ड रहता है, उसके ऊपर सीए लिखा हुआ रहता है, नाम लिखा रहता है, और डिटेल भी नहीं लिखता कि क्या करता है उसके अंदर, क्या काम करता है। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से, तुम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, तुम्हें वेबसाइट बनानी तो बहुत सादी सी वेबसाइट बना सकते हो, उसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, एथिक्स रहता है, वो फॉलो करवाना तेरा काम है। तो तेरे 7 काम है, पता है कौन कौन से? पहला है ओरिएंटेशन करवाना, दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, तीसरा कोपिंग विद डाइवर्सिटी, फोर्थ इज मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स इन कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट, डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसी, एम्पावरमेंट ऑफ वर्कफोर्स एंड मेंटेनिंग ऑफ वर्क कल्चर एंड एथिक्स। ये 7 चीजें तुमको मेंटेन करके चलने, लिखवा दूंगा याद हो जाएगा, तुम्हें सिर्फ बुलेट याद करनी है, अंदर जो ज्ञान याद आया वो लिख देना। डिड यू गेट दिस? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटजीज फॉर मोटिवेटिंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। यानी कि एचआर डिपार्टमेंट
अपने वर्कफोर्स को, अपने लेबर को कैसे मोटिवेट करता है वो बताना है। बता कैसे मोटिवेट करेगा, ये काम नहीं करते, बड़े आलसी हैं, ये दारू पीता है वहां पे बैठ के, अपने को लगता है कि पानी पी रहा है। स्टील की बोतल किसके पास है यहाँ पे? ट्रस्ट इश्यूज है मेरे को, स्टील की बोतल में पता नहीं क्या क्या भरते हैं वो, देखो लेकर आया है, ये गांजा मारता है वहां बैठ के। देखो पता नहीं क्या है उसके अंदर, हाँ पानी भी है वो तो मालूम है, नीट तो पी नहीं सकता कोई। हाँ अरे शराब छोड़, तू मोटिवेट कैसे करेगा वो बता, तू तू तो शराब दारू गुड़ क्या बोलते हैं जर्दा खैनी, हाँ ना ये बोलेगा मेरे को एक दे दे, एक सिप मेरे को दे दे, अरे बिगड़े हुए। हाँ बोल क्या, हाँ ना टेंशन फ्री एनवायरनमेंट कैसे देगा? कोशिश तो सब करते हैं लेकिन एक्चुअली बताना कैसे करेंगे। अच्छा समझो, मैं एचआर मैनेजर हूं और मुझे तुमसे कुछ काम करवा के लेना है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं? कोई क्रिटिकल टास्क है जो मुझे तुमसे करवाना है, एक नॉर्मल टास्क भी करवाना है डे टू डे। हाँ काइंड ऑफ मोटिवेशन ये भी है आज के टाइम पे कि लोगों को बोल दिया जाए कि अपना काम करो, ये एक्चुअली फ्लेक्सी टाइम में आता है, नीचे दे रखा है देखो ये मैंने बनाई है ड्राइंग, सॉरी फोटो लगाई यहाँ पे, फ्लेक्सी टाइम यानी अपने हिसाब से आओ, अपने हिसाब से जाओ, सिर्फ टारगेट मीट करो, ये एक तरीका है। आगे जाएंगे वो जॉब एनरिचमेंट के तरीके होते हैं। पहला इसके अंदर तरीका है मैनेजरल कम्युनिकेशन, यानी कि मैं तुमसे बात करूं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, फिर तुम्हारे में इन्वॉल्वमेंट लेना चालू करूं धीरे धीरे। तुम मेरे, मैं देखो सुपीरियर हूं, तुम सबॉर्डिनेट हो, यानी मैं हायरार्की में ऊपर हूं, तुम मुझसे नीचे हो, मैं मैनेजर हूं, तुम मेरा स्टाफ हो, तो मैं क्या करूंगा तुम में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होना चालू हो जाऊंगा। देखो यहाँ पे जैसे बताया, ये अपन डिस्कशन करेंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम को समझेंगे, और बीच बीच में मैं तुम्हारे आकर थोड़ा सा मतलब यूज टू होना चालू हो जाऊंगा, तो और कम्युनिकेट करूंगा तुम्हारी जो अच्छे पॉइंट्स है तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करूंगा, और जो खराब चीज है जो तुम कर रहे हो ना वो भी तरीके से बात करूंगा। फॉर एग्जांपल तेरी हैंडराइटिंग खराब है, लेट्स से तो उसको बोलने का तरीका आप कैसा रहेगा मेरे को बता, तेरी हैंडराइटिंग खराब है, तेरा काम खराब है, या देखो ऐसे बोल सकते हैं, मेरे तेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है निकल जाए यहां से, ऐसा नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा जरूरत तुमको जॉब की है ना उतनी ज्यादा जरूरत मुझे भी तुम लोगों की है, तो ऐसे टाइप में बोलूंगा मयूरेश तू इम्प्रूव कर सकता है, मुझे लगता है तेरे अंदर पोटेंशियल है कि तू ये चीज कर सकता है, तो धीरे से वर्कफोर्स मोटिवेटेड हो जाता है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की जरूरत है, बातचीत करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास ऐसी होती कि यहां पर सिर्फ मैं लेक्चर देता हूं तुमसे बात ही नहीं करता हूं बिल्कुल भी, तो एक ना ऐसी ग्लास वॉल बन जाती है, एक सीलिंग बन जाती है जो कोई तोड़ नहीं सकता। कहने के लिए तो मैं तुमसे सिर्फ इतना दूर हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, तुम लोग कभी मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तुम्हारी एफिशिएंसी कंटिन्यूअसली गिरती जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए, सबसे पहला तरीका है मैनेजरल कम्युनिकेशन, पढ़ाता हूं मैं तुमको, आते हैं इसके ऊपर। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, हर पॉइंट के ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन आया, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। अब ये थ्योरी एक्स थ्योरी वाई देखो, एक्स और वाई ऐसे आया, एक्स और वो वाई नहीं बना सकता मैं ऐसे करा, एक्स और वाई थ्योरी आई है, एक्स है नेगेटिव मोटिवेशन और Y है पॉजिटिव मोटिवेशन। सर Y पॉजिटिव क्यों? ये देखो Y स्टैंड्स फॉर यस और X स्टैंड्स फॉर नो, ये नेगेटिव मोटिवेशन है, ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। यहां पर मैं हर चीज तुमको नेगेटिव बोलूंगा, अरे तुझसे तो हो ही नहीं सकता, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तेरे जैसा बेकार इंसान मैंने देखा नहीं है। अब ये चीज हो सकती है कि तुम मेरी बात सुन के तुम्हें हर्ट हो और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। दूसरा तरीका, अरे भाई तेरे से तो अच्छा और कोई कर नहीं सकता, तू और एफिशिएंसी बढ़ा अपनी, मुझे लगता है कि तू और टारगेट मीट कर सकता है, तेरे जैसा बंदा मैंने आज तक देखा नहीं है। दोनों केस में चांसेस है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तुम्हारी। तुम बताओ बेटर क्या है, मीठा बोल के यानी कि वाई थ्योरी वाई इज बेटर। यहां पर इन्होंने वही लिख रखा है कि थ्योरी वाई इज बेटर देन थ्योरी एक्स, क्योंकि थ्योरी एक्स तुम्हारे सिर्फ नेगेटिव साइड पर फोकस करती है। देखो मोटिवेट करने के दो तरीके होते हैं, तुम मानो या ना मानो दो तरीके होते हैं, और मैं नेगेटिव मोटिवेशन में भी बहुत बिलीव करता हूं। जब बंदे का फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है ना, सेकंड अटेम्प्ट रहता है, थर्ड अटेम्प्ट तक रहता है, मैं वाई थ्योरी एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ हाँ तू कर सकता है, इंस्टीट्यूट से थोड़ी गलती हो गई होगी, ये वो सारी चीज़ें बताता हूँ।
जैसे ही उसका 14वां 5वां अटेम्प्ट आ जाता है ना, मेरे को समझ जाता है बंदा छोड़ के तो नहीं जाने वाला, अब इसको जैसा डोज चाहिए वो देता हूं। फिर मैं आता हूं एक्स थेरेपी में, तेरे में कमी है, फिर मैं सब सच सच बोलना चालू करता हूं, तेरे में कमी है, तेरे को तेरे घर की परिस्थिति ठीक करनी है ना, तो तेरे को ही ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, गलती इंस्टीट्यूट की हो चाहे किसी की, भुगतना तुझे पड़ रहा है। मैं फिर एक्स पे शिफ्ट होता हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है 5वें अटेम्प्ट के बाद बंदा छोड़ नहीं सकता, लेकिन पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही अगर मैंने उस पर एक्स थ्योरी रख दी ना, छोड़ के चला जाएगा, सिलेबस ही क्विट कर देगा। फाउंडेशन लेवल पे वाई थ्योरी हमेशा, फाइनल लेवल पे एक्स थ्योरी करता हूं मैं, ये मेरा तरीका है। ऑर्गेनाइजेशन में जनरली वाई थ्योरी को बोलते हैं, प्रेफरेबल है। ऑर्गेनाइजेशन में एक्स थ्योरी को शुगर कोट करके मीठा मीठा बोल के वाई थ्योरी बना देते हैं, यानी कि वो तुम्हारी बजाते ही है लेकिन बोलते हैं कि हाँ हम तो अच्छा कर रहे हैं तुम्हारे साथ। तो एक्स थ्योरी वाई थ्योरी, यहां पे सारे नेगेटिव अजम्पशंस लिए जाते हैं, यहां पे सारे पॉजिटिव अजम्पशंस लिए जाते हैं, रीड करेंगे। नेक्स्ट है जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन मतलब तुमको मोटिवेट करने के लिए ना जॉब को डिजाइन करना पड़ेगा। अब जॉब डिजाइनिंग के तरीके होते हैं, समझो तुम 3 साल से, कौन से डिपार्टमेंट में था तू? बैंकिंग। कितने महीने? तू 6 महीने था, 2 महीने, 6 महीने। तू कौन से डिपार्टमेंट में था? सीएसआर। क्या करना पड़ता था? देखो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता होगा पिछले 3 साल का, जगह ढूंढनी पड़ती होगी कहां पे खर्चा करना है, वो भी नहीं। सोचो सबसे ज्यादा खतरे वाला जॉब था तेरा, कितने लोग थे उस जॉब के अंदर, मतलब वो पोजीशन पे सीएसआर के अंदर? उनके कोई और रोल भी होंगे, वो सिर्फ सीएसआर नहीं करते होंगे। साल भर काम किया, 4 पार्ट भी याद नहीं तुझे, बिकॉज दैट पार्ट इज नॉट दैट रेलेवेंट। 7 लिम्स रहते हैं उसके बेसिकली, सीएसआर में खर्च करने की 7 जगह रहती है, 7th इज बिगर लिस्ट। जो भी है, क्या कैसा लगा काम करके वहां पे साल भर सेम पोजीशन पे? एम्पावरेबिलिटी, वेस्ट ऑफ टाइम था, यानी कि तू बोर हो गया था, और ऐसा टाइम था कि अगर तेरे को कोई चैलेंजिंग जॉब मिल जाता तो छोड़ के चला जाता, याने तेरे जॉब में एनरिचमेंट नहीं था, तेरा जॉब बेटर नहीं था। तू उस कंपनी में क्यों, वैसे क्यों छोड़ा तूने? अच्छा, जनरली लोग छोड़ देते हैं ऐसी पोजीशन, अगर तेरा मतलब कमिटेड पीरियड नहीं होता तो तू छोड़ देता, क्यों? क्योंकि जॉब एनरिचमेंट नहीं थी। अब इसकी जॉब एनरिचमेंट इंश्योर करने के लिए क्या तरीका अपनाएगा, मेरे को एक बात बता। तेरे से पूछ रहा हूं, नहीं तेरे से नहीं, विशाल से पूछ रहा हूं। विशाल, ये बोर ना हो बंदा, इसके लिए तू क्या करेगा? चीयर लीडर्स लगाएगा इसके लिए, ये अथर्व अथर्व, वो तो पॉसिबल नहीं है, सैलरी बढ़ा रहा भी हाथ में नहीं है अपने, वो बोर हो रहा है उस पोजीशन पे, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के बस उतना ही काम करता है, और जितने भी वो सजेशंस लेकर आता है उसकी डीजीएम मैम कुछ और ही भलती जगह इन्वेस्ट करवाती थी इससे, बराबर है कि नहीं? मतलब सुनी तो जाती नहीं थी अपनी खास करके, तो जॉब में मजा कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बैठ के। क्या सैलरी थी भाई तेरी? 4000 में क्या तेरे से डिसीजन लेने के लिए बोलेंगे तुझे? खर्चे ज्यादा हो जाते 4000 में, अपने महीने का खर्चा कम से कम 12-1000 रुपए, 12-15000 रुपए तो देते 4000 में, कोई इंडिया में समझ में नहीं आता ये कॉन्सेप्ट। यूएस का देखो कल्चर अच्छा है, वहां पे तुमको काम करने देते हैं, काम करना पड़ता है कंपल्सरी, अर्न करो और फिर उससे खुद का एजुकेशन स्पॉन्सर करो। वहां पे 18 साल के बाद यू आर नो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेरेंट्स, यहाँ पे तो भाई शादी तक, शादी के बाद उनके बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर उनकी भी इच्छा कि तुम्हारे बच्चों, जब उनके बच्चे रहते ना, उन तुम्हारे बच्चे होंगे, हमारे नाती पोती का मुंह देखना चाहते हैं हम, परिवार में ही रहो, शाय कंट्री ना। हाँ, तो विशाल क्या करेगा ऐसा कि ये खुश रहे अथर्व? नहीं, विशाल वाले तरीके, वो अथर्व वाले तरीके ने इन जनरल क्या करेगा? नहीं तो उसके शौक पूरा करने के लिए तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी। प्रणव तू क्या करेगा? और वसुंधरा था, वसुंधरा हैंगओवर में है, कह नहीं सकते, कर नहीं सकते कुछ, बिचारी सोलापुर से ट्रैवल करके आई है। क्या वी नीड टू टॉक? क्या बात करोगे? वो तो मैनेजर कम्युनिकेशन में चला गया ना, एक बार बात कर ली ना, क्या बात कर गया? बोलेगा 3 साल का नहीं 4 साल का प्रॉफिट निकाल,
कंप्लायंस के हिसाब से 3 साल का ही निकालना है, वो क्या करेगा, क्या बात करके करेगा। हाँ एग्जैक्टली, तू उसको जॉब रोटेशन देगा, सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या तुमने कभी सोचा है जॉब रोटेशन अच्छी चीज है बुरी चीज है? जॉब रोटेशन माने कि समझो तुम कैश डिपार्टमेंट में हो और तुम प्रोडक्शन के अंदर हो, तुम अकाउंटिंग के अंदर, तुम्हारे जॉब स्विच करे जाएंगे। क्या जॉब स्विचिंग, जॉब रोटेशन अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अपन आज थोड़ा डिस्कशन करते हैं, आज स्टूडेंट्स कम है इसलिए मैं ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता हूं, तुम्हें बताना भी जरूरी। जॉब रोटेशन, इज जॉब रोटेशन गुड फ्रॉम एम्प्लॉयज परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम कंपनीज परस्पेक्टिव, या इट इज अ नीड, ये जरूरत है इसलिए करना पड़ता है, या बिना जरूरत, मतलब जरूरत नहीं है फिर भी अपन कर लेते हैं? एक्साइटमेंट रह गई, एक्साइटमेंट ना, एक्साइटमेंट सिर्फ टीनेजर्स लोगों को होती है। तुमको मालूम क्या, 25 साल के बाद ना तुम जिंदा लाश बनते हो, कुछ नया काम करने के लिए तुमको बोलेगा ना, तुम बोलते काय को करने का, वो छोड़ दो, ऐसा होता है कि नहीं, मानते हो कि नहीं? कुछ नया सीखने की इच्छा कितने लोगों में बची है मेरे को एक बात बताओ, लिटरली है अभी भी? क्योंकि तुम्हारी एज कम है, तुम 25 तक आ जाओ, तुम्हारे और मुझ में सिर्फ 2-3 साल का फर्क नहीं है, जनरेशन गैप आ चुका है। अब मैं रिलक्टेंट हूं, मेरे को कुछ नया नहीं सीखना है। अब जरा सोचो, बुजुर्ग लोग जो 40, 45, 50 साल के हो गए, तुम बोलोगे एक्साइटमेंट आएगा जिंदगी में, बोलेगा रहने राहुल है ना, ओ बायको ने क्या बनाया खाने में, उसको उसकी भी परवाह नहीं, उसके जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, यहां से लेकर घर तक, मतलब ऑफिस से लेकर घर तक वो स्कूटर पे बैठकर जाता है, वही उसके लिए एडवेंचर रह जाता है। संडे को सोना और अपनी FD रिसीट्स वगैरह चेक करनी, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना उतना ही चेक करना, उसके लिए एडवेंचर या एक्साइटमेंट रहता है। तो एम्प्लॉय कभी नहीं चाहता, ये सिर्फ तुम्हारे जैसे लोग चाहते हैं, नया सीखो, नया करो। एक लेवल आ जाता है जब एक्सपर्टीज आ जाती है। अब देखो, तुम बोलोगे कि सर ऐसे कैसे बात करो, मैं एक सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ाता हूँ इंटर में, एक फाइनल में भी उसी का मॉडिफाइड वर्जन पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ एक ऐसा कह सकते हो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही एक सब्जेक्ट है जो ऑफ ट्रैक पढ़ाता हूँ मैं, बाकी सब फाइनेंस रिलेटेड ही पढ़ाता हूँ। मेरे अंदर क्यों कॉस्टिंग पढ़ाने की इच्छा नहीं है? क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं, एक्साइटमेंट के साथ साथ एफर्ट्स भी लगते हैं। तो ये सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है कि तुम्हारे लाइफ में इतना ज्यादा वैक्यूम पड़ा हुआ नहीं, इतना ज्यादा एनर्जी पड़ी कि तुम उसको चैनलाइज यूटिलाइज करना चाहते हो, इसलिए तुम एक्साइटमेंट मांगते हो। अब जरा इमेजिन करो, थोड़ा सा आंख बंद करके, तुम्हारी शादी हो गई है, ठीक है, उसको भी 4-5 साल हो गए, तुम जो पति है या पत्नी है उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, 6-7 बच्चे हैं घर पे, चिल्लाते ही रहते हैं जब देखो तब, उसके बाद अब काय का एक्साइटमेंट चाहिए तुमको? हाँ तुम्हारे दिन भर मतलब तू ऐसा रहता है ना कि बस घर से निकल के ऑफिस चले जाओ, थोड़ी देर मुंह छुपा लो इनसे, और वो तुम्हारी पत्नी भी इंतजार कर रही है कब निकलेगा। देखो प्यार व्यार सब साइड में, कितने साल देखोगे उसको, 4 साल 5 साल देख रहे हो, और वो चिल्लर पार्लर इतने पाल रही है। हाँ ऑफिस में क्या आना, ये बिगड़ा हुआ है अब तो पक्का पता चल गया, शादी के बाद ऑफिस वाली भी ढूंढ रहा है तू। अबे ठंडी क्यों नहीं हुई तुम्हारी अंदर की ज्वाला अग्नि अब तक? स्पीचलेस। मैं एक बात बता दूं तुमको, इतना थक जाएगा ना तू तेरी शादी से, ऑल्दो मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं इन चीजों का, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं इन जनरल बहुत बड़ा ऑब्जर्वर, मैं हर चीज ऑब्जर्व करता हूं, मतलब यू वोंट इवन नोटिस मेरे को, तुम लोगों की हर छोटे से छोटे हरकत भी आप मालूम है, तुम लोग क्या कैसे रिएक्ट करो, बिकॉज आई एम अ बिग ऑब्जर्वर, तो मेरे को मालूम है तू थक जाएगा। फिर एक टाइम आएगा जो देखो स्त्री, मतलब जो अपोजिट जेंडर ना, उसको देखकर मतलब ऐसे दूर भागने की इच्छा होगी, मैं देखो लिख कर देता हूँ, और सेम अप्लाइज फॉर गर्ल, तुम करो ऐसे लगे हाँ ये भी वैसे खजेड़ू रहेगा, अजीब सा ही रहेगा, तो देयर वोंट बी एनी एक्साइटमेंट। तो तुम जॉब में एक्साइटमेंट नहीं ढूंढोगे, ये मेरा लिख कर मैं तुमको दे देता हूँ, कोई भी नहीं चाहता है नया काम हर बार सीखते जाए। एक लेवल आता है जब अपने एक्सपर्ट बन जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज में, और फिर तुमको बोले यहाँ से उठ के दूसरी जगह काम कर, फिर रिडंडेंसी, रिलक्टेंट हो जाते हो तुम। तो जॉब रोटेशन वैसे तो मैं कहूँ कि एक लेवल पे डिजायरेबल नहीं है, पर फिर भी कंपनीज जॉब रोटेट करवाती है। क्यों कंपनीज करवाती है जॉब रोटेट? तुमने ऑडिट पढ़ा है क्या? ऑडिट के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जॉब रोटेशन इसलिए करवाते हैं। अच्छा तुम्हें टैक्स के अंदर भी तुमको एक वो लीव देते, कौन सी लीव देते हैं, LTA मिलता है तुमको,
LTA जिसमें वो तुम्हें एयर फेयर रिम्बर्स करके देते हैं। अच्छा क्यों करते तुम पैसा? ताकि तुम जाओ यहां से उठकर, तुमने जितने काले पीले पाप किए ना किसी और को पता चले। एक ये तरीका है, दूसरा जॉब रोटेशन। नया बंदा तुम्हारी जगह पे आएगा ना, उसको कुछ डिस्क्रिपेंसी दिख गई तो तुरंत रिपोर्ट करेगा। समझ में आया? तो जॉब रोटेशन यहां पर तो उन्होंने दे रखा है कि एम्प्लॉय के एंगल से बेनिफिशियल है। एम्प्लॉयज के एंगल से बेनिफिशियल है इनिशियली। जैसे अथर्व को अगर मान लो सीएसआर से हटा के प्रोडक्शन साइड डाल दिया जाता तो 3-4 महीना और तू एक्साइटेड रहता, और सीएसआर के लिए भी तू पहले 2-3 महीना तो एक्साइटेड होगा, पहले दिन से नहीं था। अच्छा हाँ, चल एक हफ्ता था। अगर मान लो कुछ अच्छा मिलता तेरे को, डिपार्टमेंट एचआर मिल जाता जहाँ पे ज्यादा लड़कियां ही होती है। हाँ अच्छा, एचआर के अंदर ही सीएसआर के, ठीक है। तेरे लायक तेरे को जो डिपार्टमेंट मिल जाता तो एक्साइटमेंट रहती, पर तू वहां से भी बोर हो जाता, फिर उसके बाद तू कोई और डिपार्टमेंट में जाता। तो एक होता है तरीका जॉब एनरिचमेंट का। दूसरा एक यहां पर दे रखा है फ्लेक्सी टाइम। फ्लेक्सी टाइम का मतलब क्या होता है? तुम अपने टारगेट मीट करो, कहीं से भी करो, वर्क फ्रॉम होम लो, घर से बैठ कर करो, चांद पे जाकर बैठो, नदी के अंदर डूब के करो, कुछ भी करो, अपने टारगेट मीट करो, बस। फ्लेक्सी टाइम, तुम तुम्हारे हिसाब से आओ, तुम तुम्हारे हिसाब से जाओ, डेडलाइन मीट करो। नेक्स्ट है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या रहता है? तुमने कुछ अच्छा किया तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, तुमने कुछ खराब किया तुमको गाली पड़ेगी। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। अगर तुम लेट जाते हो तो तुम्हारा हाफ डे काउंट होता है, या तुम्हें सुनाया जाता है, या बहुत चीज करी जाती है। और अगर मान लो तुम एकदम एक्टिव रहे, तुम्हारी अटेंडेंस वगैरह भी फुल रही है, तुम अपने टारगेट्स मीट कर रहे हो, तुम एथिकल हो, वहां पे सारी चीजें सही है, तो तुमको छोटे छोटे अवार्ड्स दिए जाते हैं। टाटा में तो बहुत अवार्ड्स बांटते हैं, है ना? अगर किसी ने अच्छा काम किया तो वो टीम को अवार्ड, इसको अवार्ड, उसको अवार्ड। अब टाटा का कल्चर अलग है, तुम्हारे इसमें किर्लोस्कर का इतना आइडिया नहीं, इतना नहीं देते, पर साल में एक आधी बार देते होंगे। कुछ कुछ इंडस्ट्री में तो 20-20 साल में एक बार अवार्ड देते कि भाई तूने 20 साल इस इंडस्ट्री में काम कर लिया, ले 25,000 का तोहफा। 25,000 फॉर वर्किंग, 25,000 फॉर वर्किंग 20 ईयर्स, तो पर ईयर का कितना हो गया? 1,250 डिवाइडेड बाय 365 कितना होता है? लगभग 3 रुपए के करीब। तो डेली लगभग सिर्फ 3 रुपए के हिसाब से तुम्हें मोटिवेट किया जाता है, काफी कंपनीज में ऐसा रहता है। अच्छा बिग फोर में जनरली कैसा रहता है? वहां पे तुमको सुपर एम्प्लॉय, सुपर टीम, कुडोस वगैरह ऐसी चीजें देकर मोटिवेट किया जाता है हर चीज के अंदर। एंड लास्ट वन इज, तो ये मैं पढ़ूंगा अभी, तो बिहेवियर मतलब पॉजिटिव बिहेवियर रहा तो उसको तुम रिवॉर्ड करोगे, नेगेटिव रहा तो तुम उसको पनिश करोगे। लास्ट है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट फोटो देखकर ही तुमको समझ में आ रहा होगा कि पार्टिसिपेशन मांगो उनका, आओ ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तुम अपने सजेशंस दो। अगर मैं तुमको बोलूं, लेट्स से अपन सब एक टीम है और मैं इसका हेड हूं और तुम लोग मेरे सबॉर्डिनेट्स हो, और मैं तुमको बोलू कि यार अपने को यहाँ पर ना एक सर्वे करना है, तुम लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहोगे, तुम सोचोगे यार मेरे को सैलरी मिल रही है मैं उतना ही काम करके चले आऊँ। अगर मैं तुमको बिठाऊं और बोलू चलो अपने अपने सजेशंस पास करो, तब जाके तुम्हारी क्रिएटिविटी भी ऊपर आएगी और तुम इन्वॉल्व रहोगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फिर तुम्हारा छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये तरीके हैं वर्कफोर्स को मोटिवेट करने के। एक एक को पढ़ लेते हैं, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। पहला देखो क्या हो गया, अभी तो सिर्फ ब्रीफ आउट किया ना बावली, अभी तो अंदर का डिटेल तो बताना बाकी ना। देखो कितने हैं, मतलब अभी तो 43 मिनट्स भी नहीं हुए। मैनेजर कम्युनिकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर द मैनेजर इज सिंपली टू कम्युनिकेट वेल विद द ऑर्गेनाइजेशन पीपल। अंडरलाइन करो, सिंपली टू कम्युनिकेट। अरे तू बात तो कर, कम से कम बात करेगा तभी वो तेरे को समझेंगे, तेरे इंटेंशन को समझेंगे। देखो यहाँ पे मैनेजर कितनी इज्जत दे रहा है, मैनेजर एक पैर पे खड़ा है यहाँ पे और सबको बैठने दे रहा है। वैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ मैनेजर किसी का सगा नहीं होता। This satisfies such basic human need as recognition, a sense of belonging and security. For example, such a simple action as a manager's attempting to become better acquainted with the subordinates can contribute substantially to the satisfaction of each of three needs. कौन सी three needs है भाई? रिकॉग्निशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सिक्योरिटी, ये तीन नीड है। अगर मैनेजर तुमसे बात कर रहा है ना तो तुम्हारी तीनों नीड पूरी होती है। कौन सा? रिकॉग्निशन, यानी कि मैनेजर मुझको जानता है। तुम्हारी इंडस्ट्री में कभी रतन टाटा आया था क्या? आया था, ठीक है, बात करी उसने तुमसे? नहीं करी। और करता तो? किसने
कितना भारी फीलिंग होती है। देखो ऐसा लगता अगर वो बोलता कि हाँ ठीक है अथर्व, आज तेरे साथ डिनर करता हूं, ठीक है, क्या वट होता तेरा उस दिन, तो देखो रिकॉग्निशन मिलता, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, तू बिलोंग करता है ऑर्गेनाइजेशन से, तू 4,000 का, तू तेरी जेब से 4,000 देता और बोलता मैं रुक जाता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में। और लास्ट ये सिक्योरिटी, देखो सिक्योरिटी भी फील होती है कि हाँ एटलीस्ट समवन नो मी, मैं ऐसा कोई आया हुआ बाहर का इंसान नहीं हूँ जो 4,000 रुपये में एचआर टीम में काम कर रहा हूँ कि किसी भी दिन निकाल सकते हैं मेरे को, ऐसी फीलिंग नहीं आएगी अगर रतन टाटा आके तेरे से बात करते तो। ऑल्दो रतन टाटा नहीं आएंगे, ये अपन मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, समझ में आया? उधर कैसे हंस दिया, जिस दिन आने वाले रहते होंगे ना टाटा, रतन टाटा, उस दिन तुमको एक दिन पहले ही इंस्ट्रक्शन आ जाती होगी शायद कि अच्छे से तैयार होकर आओ वगैरह वगैरह, नहीं आती थी कुछ, उनको मालूम है एचआर डिपार्टमेंट में जाने ही नहीं वाले सर तो कभी। कैसा रहा वैसे तेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस एचआर डिपार्टमेंट में? सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए, लेकिन वहां पर भी बहुत लोग काम करते, खुशी खुशी काम करते, क्यों? क्योंकि उन लोगों को वैसी लाइफस्टाइल चाहिए रहती है। अभी तुम लोग चैलेंज कामचोर, फिर भी लोग वहां पे क्यों रहना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि किसी, कई लोगों को सिर्फ सैलरी चाहिए रहती है, उनको जॉब में एक्साइटमेंट नहीं चाहिए रहती है। लेकिन एक लेवल आएगा रे तुम्हारी लाइफ में भी जब तुम बोलोगे ठीक है अब कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई एडवेंचर नहीं, एडवेंचर के नाम पे हो गई शादी, हो गई 4 बच्चे, अब कोई एडवेंचर नहीं चाहिए, तो उस दिन तुम भी बोलोगे एचआर तो एचआर। मैं तुम लोगों को बोलता हूँ एक चीज, अगर तुम्हारी लाइफ में तुमने डिसाइड करा, अगर लड़कियों के लिए खास करके बोलता हूँ, अगर तुम्हें ज्यादा चैलेंजेस नहीं चाहिए ना लाइफ के अंदर, गो फॉर आईटी कंपनी, आईटी सेक्टर में चले जाना। तुमको अगर मान लो ओपनिंग मिले, ऑफर मिले ना, चले जाने का आँख बंद करके। स्टार्टिंग का पैकेज भी 10-12 लाख रहेगा, ज़्यादा बढ़ता नहीं है लेकिन 10-12 लाख काफ़ी है स्टार्टिंग में। प्रॉपर लाइफ बैलेंस होती है तुम्हारी वहाँ पे। लड़कों के लिए मैं कभी एडवाइस नहीं करूँगा, तुम्हें तो भागना ही है हर जगह। ऐसा नहीं, मैं ऐसा क्या बोलते हैं मिसोजेनिस नहीं हूँ कि लड़कियों के खिलाफ, और मैं बता रहा हूँ तुम्हें बहुत चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ती है, बहुत सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं। लड़कों के लिए ना इम्प्लाइड अजम्पशन है कि हाँ ये तो बाहर जाएगा, ये तो कमाएगा ही, बराबर है कि नहीं? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बोलना। इनसे एक अजम्पशन रहता है कि ये घर पे तो रहेगा नहीं, तुम्हारे साथ एक सेकेंडरी पैरेलल अजम्पशन ये भी लेकर चलते हैं कि ये शायद घर पे इसको बिठा देंगे, होता है कि नहीं, मानते कि नहीं? तो वो चीज़ के चलते हुए तुम्हें अगर लाइफ कभी मेंटेन करनी है ना, तो गो फॉर आईटी कंपनीज, आईटी कंपनी में बहुत सही राम रहता है। और एचआर मिल गया तो बस ले लेने का तुरंत, लेकिन कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा जॉब में, कुछ भी नहीं। सैलरी प्रोसेसिंग का भी तुमको काम लगता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब ऑटोमेटेड होता है। चलो, सच अ सिंपल एक्शन एज अ मैनेजर्स अटेम्प्टिंग टू बिकम बेटर एक्वाइंटेड विद द सबऑर्डिनेट्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ईच ऑफ दिस यूनियन। अनदर एग्जाम्पल, अ मैसेज फ्रॉम मैनेजर टू अ सबऑर्डिनेट दैट प्रेजेस द सबऑर्डिनेट फॉर द जॉब वेल डन कैन हेल्प सेटिस्फाई द सबऑर्डिनेट्स रिकॉग्निशन एंड सिक्योरिटी नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, तुमको स्कूल में टीचर जब बहुत छोटे थे वेरी गुड लिख कर देती थी, कैसी फीलिंग आती थी? सच्ची बोलो, ऑनेस्टली बोलो, बहुत भारी लगती थी। वो यही बोल रहे हैं कि बस तुमको रिकॉग्निशन की जरूरत है, बता दिया जाए कि हाँ हम तुझको जानते हैं, तेरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट करके। मिला है किसी को वेरी गुड बचपन में? सबको देती थी टीचर, अपने को लगता था अपने को मिल रहा है। टीचर भी बहुत शानी रहती थी, एक टेस्ट में ही सबको वेरी गुड नहीं देती थी, या एक ही होमवर्क में नहीं देती थी, ऑल्टरनेट रोटेशन में। आज तुझे अच्छा फील करवाऊंगा, आज तुझे अच्छा फील करवाऊंगी, समझा? मैनेजर कम्युनिकेशन में तीन इसेंशियल नीड है। पहला है रिकॉग्निशन, दूसरा है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एंड थर्ड इज सिक्योरिटी। RSS, जैसे RSS बोलना प्रॉब्लम जाता है आजकल, क्योंकि बहुत सारे लोग अगेंस्ट हैं इसके। डू यू नो व्हाट इज RSS? RSS लड़कों को तो मालूम होगा, विशाल RSS मालूम, तुमको मालूम आरएसएस, वसुंधरा नहीं पता तो भी अच्छा ही है, कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो तीन चीजें पूरी करता है। यहां पर इन्होंने मैनेजर कम्युनिकेशन में क्या बोला, भाई तू बात कर सिर्फ हमसे, बस इतना काफी है। नेक्स्ट है थ्योरी एक्स थ्योरी वाई में क्या बोला था, थ्योरी एक्स में नेगेटिव मोटिवेशन, थ्योरी वाई के अंदर पॉजिटिवली तुमको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। डगलस मैकग्रेगोर आइडेंटिफाइड टू सेट्स ऑफ अजम्पशन, अकॉर्डिंग टू हिम थ्योरी एक्स involves नेगेटिव assumption दैट मैनेजर ऑफन uses एज द बेसिस ऑफ डीलिंग विद पीपल, यानी कि लोगों के साथ डील करने के लिए प्रणव मैनेजर हमेशा नेगेटिव सोचेगा, तूने तो काम किया ही नहीं होगा, ऐसा सोच के मैं चलूंगा। और
हो सकता है तूने काम किया हो या नहीं किया, पर मैं हर बार नेगेटिव लेकर चलू, मैं मेरे सुपीरियर को, मैं मेरे जो बॉस है उसको अगर बोल रहा हूं कि उसने मेरे से पूछा प्रणव कैसा है, तो मैं बोलूंगा वो तो काम करा ही नहीं होगा उसने, तो मैं नेगेटिव असम्पशन लेकर चल रहा हूं तो थ्योरी एक्स में चले जाऊं, और पॉजिटिव असम्पशन लेकर चल रहा हूं हाँ उसने कर लिया होगा वो पॉजिटिव में चला जाएगा, एक्चुअल फैक्ट क्या है वो चीज अलग है। यानी कि मैं एक ऐसा खड़ूस बॉस हूं जो तुमको दिन रात बोलता है हाँ तूने तो किया ही नहीं होगा काम, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तुमसे तो ना हो पाएगा, ऐसी चीजें बोली जाए तुमको, और वही वायक अगर बोला जाए कि हाँ तुम कर लेते हो, तुम्हारे जैसा अच्छा कोई नहीं है, वगैरह वगैरह सौ चीजें रहती। सो एक्स एंड वाई दोनों मोटिवेटिंग फोर्स है बेसिकली। थियरी वाई रिप्रेजेंट पॉजिटिव अजम्पशन, करना पॉजिटिव अजम्पशन विच मैनेजर यूजेस, एज सच द एक्टिविटी बेस्ड ऑन थियरी वाई अजम्पशन आर मोर सक्सेसफुल, थियरी वाई इज मोर सक्सेसफुल इन मोटिवेटिंग ऑर्गेनाइजेशन देन दोस बेस्ड ऑन एक्स। बहुत सिंपल था यहाँ पे पॉइंट, अगर आएगा तो इसके अंदर क्या लिखना है, पहले तुम्हें डगलस मैकग्रेगोर का नाम लिखना है, दूसरी बात लिखनी है कि एक्स के अंदर नेगेटिव अजम्पशन है, वाई के अंदर पॉजिटिव अजम्पशन है, वाई इज बेटर देन एक्स, बस इनकी थियरीज को देखो कितनी सिंपल सी थियरीज है, फिर भी आज अपन ने ये इस बंदे ने कहीं बैठ के बनाई होगी और आज अपन इस थियरी को पढ़ रहे हैं, ऐसे अपन ने भी कुछ करना चाहिए, लगता नहीं तुम लोगों को, कुछ तो करना चाहिए। जॉब डिजाइनिंग, जॉब डिजाइनिंग में तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, पहला है जॉब रोटेशन, बोर्डम तुम्हें बोर होता है उसको अवॉइड करने के लिए, दूसरा है जॉब एनरिचमेंट यानी कि तुम्हारे एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर ही चैलेंजेस डाले जाए, तीसरा है फ्लेक्सी टाइम। ये तीन चीजों के थ्रू तुम जॉब की डिजाइन को चेंज करके मोटिवेट कर सकते हो। तीन चीजें कौन कौन सी, सबसे पहला है जॉब रोटेशन यानी कि जॉब चेंज किया जाए, जॉब एनरिचमेंट यानी एग्जिस्टिंग जॉब को तुम्हारा थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाया जाए, और लास्ट है फ्लेक्सी टाइम यानी तुम्हें अलाउ किया जाए, तुम तुम्हारे टारगेट्स मीट करो लेकिन कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, तुम कभी भी आ रहे हो, रात को आके काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। बिग फोर के अंदर ये कल्चर मैंने देखने को मिला है मुझे, रात को लोग 12 1 2 3 बजे तक बैठे रहते हैं वहां पे काम करने के लिए, लेकिन फिर आते भी दोपहर के 3-4 बजे अपने हिसाब से आते हैं, तो फ्लेक्सी टाइम, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने ये टाइम पे आना ये टाइम पे चले जाना। अच्छा काफी बार बिग फोर के अंदर ये भी चीज देखने को मिली है कि जैसे तुम अगर जॉब पे गए नहीं जिस दिन तो एबसेंट मार्क हो जाता है, सैलरी डिडक्ट हो जाता है, हमारा ऐसा नहीं होता था, हमारा हम घर पे बैठकर भी काम कर लेते थे, ऑनलाइन काम करके सारी चीजें सबमिट कर देते थे, हमारी अटेंडेंस मार्क हो जाती थी। तो इस तरीके से फ्लेक्सी टाइम देते हैं ना तो इतने हेक्टिक सिचुएशन में भी अच्छा लगता था कि यार अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल कल करके तुम्हें किसी की शादी में जाना है, जाना जरूरी है, अटेंड करना जरूरी है, तुम्हें मालूम है ट्रैवलिंग में 24 घंटे लगने वाले हैं, आने में 24 घंटे लगने वाले हैं, जो भी ट्रेन से जाना हो तुम्हें, तो ये दो दिन वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें मालूम है तुम ट्रेन में बैठे बैठे भी काम कर सकते हो तो बैठ के काम कर लेते हो, एब्सेंट भी मार्क नहीं होता। तो फ्लेक्सी टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें पढ़ेंगे अपन इसमें। द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू ओवरकम बोर्डम वॉज जॉब रोटेशन इन विच इंडिविजुअल आर मूव फ्रॉम जॉब टू जॉब एंड दस दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब ओवर अ लॉन्ग टर्म, सब्सिक्वेंटली जॉब एनलार्जमेंट enlargement is another strategic development to overcome boredom of more simple and specialized job. Job enlargement program has been found more successful in increasing job satisfaction than job rotation. Okay, I forgot to tell you, job rotation ke baad job enlargement aata hai. Job enlargement, job rotation, job enrichment, teenon mein fark samjho. Job rotation matlab pehle tu ye kaam karta tha, ab dusra kaam kar. जॉब एनलार्जमेंट का मतलब है तू ये काम करता था यही काम कर पर अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, ठीक है। जॉब एनरिचमेंट का मतलब यही काम कर लेकिन अब चैलेंजेस ले इसके अंदर, समझ में आ रहा है। जॉब रोटेशन का एग्जांपल ले सकते हो, तुम एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब है तुम एक दिन में एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो और बहुत ज्यादा सिलेबस कवर कर रहे हो, और जॉब एनरिचमेंट का मतलब है तुम एक दिन में एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो लेकिन मास्टर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स चीजें भी कर रहे हो, तो तीनों तुम्हें सेटिस्फेक्शन दे सकता है। तो बोले सबसे पहले रोटेशन होता था, रोटेशन हटके तुम्हारे पास जॉब एनलार्जमेंट, एनलार्ज मतलब बड़ा करना, एनलार्जमेंट आ गया, इसके बाद जॉब एनरिचमेंट आएगा। आगे देखो, टू जॉब डिजाइन स्ट्रेटजी दैट इज जॉब एनरिचमेंट एंड फ्लेक्सी टाइम हैज बीन इन्वॉल्व। जॉब एनरिचमेंट मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग मोटिवेटर्स इन टू जॉब सिचुएशन, यानी चैलेंजेस इनकॉर्पोरेट करना और खुद को मोटिवेट करना। ये कैसे होता है, तुमने कभी किया है क्या कि इतने पेजेस पढ़ने के बाद मैं खुद को रिवॉर्ड दूंगा, कभी किया ऐसा पढ़ाई करते टाइम खुद को रिवॉर्ड देना? नहीं किया तुमने, क्या किया, कैसे करती थी, खुद को रिवॉर्ड कैसे देती थी? अच्छा तुम्हारा रिलैक्स करने का, और किसी का क्या तरीका था?
हाँ खेलने चले जाने का, तो खुद को रिवॉर्ड देने का, और उस टाइम पे तक कंप्लीट नहीं हुआ तो पढ़ने के आगे। मैं भी खुद को मोटिवेट करता, हर एक के तरीके रहते हैं अपने, तो सब अपने अपने हिसाब से करते। तो जॉब एनरिचमेंट यानी कि चैलेंजेस भी ऐड करना और मोटिवेट करते रहना खुद को उस चीज़ के लिए कि हाँ मैंने इस टाइम पे ये चीज़ अचीव कर ली तो मैं चला जाऊंगा बाहर घूमने। अगर मैंने मेरा प्रोजेक्ट जो 6 महीने में कंप्लीट करना था 5.5 महीने में कंप्लीट कर लिया, 15 दिन छुट्टी मार के चला जाऊंगा। तो मालूम बिग फोर के अंदर कभी भी शॉर्ट अटेंडेंस के कारण सैलरी नहीं कटती, कभी नहीं कटती, कुछ भी हो जाए। वहाँ पे शॉर्ट अटेंडेंस का कंसेप्ट ही नहीं होता, वहाँ पे तुम्हें सिर्फ टारगेट मीट करना है। 6 महीने का काम तुम 3 महीने में कर लिया तो 3 महीने छुट्टी नहीं, तुम्हें नए जॉब पे डाल देते हैं। और 6 महीने का काम 7 महीने में भी किया तो भी कुछ नहीं, एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि क्यों ऐसा हुआ। वहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं रहती इस चीज़ की, अटेंडेंस के कारण किसी का पैसा कट रहा ऐसा हुआ ही नहीं तुम्हारी, बाकी इंडस्ट्री में तो होता है। वो बोलेगा 4,000 रुपये में एक दिन का 133 रुपये काट भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है। फ्लेक्सी टाइम इट परमिट्स वर्कर्स टू चूज ओन वर्किंग आवर्स विद इन सर्टन लिमिटेशन, ठीक है, यानी कि कुछ लिमिटेशंस के साथ साथ तुम्हें अपने हिसाब से चूज करने देते थे कभी भी काम करो। द चॉइस ऑफ स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम कैन बी फ्लेक्सिबल एज द ऑर्गेनाइजेशन अलाउड टू एंश्योर दैट द फ्लेक्सिबिलिटी डज नॉट बिकम काउंटर प्रोडक्टिव इट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी सैलरी कम है 25,000 रुपए है, ठीक है, क्यों कम है सैलरी, क्योंकि तुमने जस्ट ज्वाइन किया है। ऐसे टाइम पे वो तुमको बोल रहे हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर नहीं सुबह 6 बजे से लेकर शाम के दोपहर के 2 बजे तक काम करो, लेकिन तुम बोलते हो कि सुबह मैं पार्ट टाइम कुछ और भी काम करता हूँ तो मैं लेट आके काम करूंगा, चलेगा ना। तो ये यही बोल रहे हैं कि तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करी जाए। अब जो वर्किंग मदर्स रहती है ना उन लोगों के लिए कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा टेम्पटिंग रहता है, बोलते हैं 4,000-5,000 या 10,000-20,000 किसी से सैलरी कम मिल जाए चलेगा, पर अपने टर्म्स पे काम करने को मिलेगा, जब चाहे तब जाके काम कर सकते हैं। मेरी सिस्टर पिछले 3 साल से वर्क फ्रॉम होम करती है, 3 साल से उसको मालूम भी नहीं ऑफिस कैसा है उसका, घर पे बैठ के काम करती है, ठीक है, सारी चीज़ें उसने घर पे ही ऑफिस का सेटअप बना रखा है, उसके हिसाब से वर्किंग आवर्स है। तो उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि उसके हिसाब से चलता है सब, उसके हिसाब से वो कभी भी लॉग इन करती है और लॉग आउट करती है, अपने टारगेट मीट कर लेती है, कभी कभी रात को काम कर लेती है और अगले दिन रिपोर्ट सबमिट कर देती है, उसको मालूम भी नहीं ऑफिस कैसा है उसका, किधर है उस किधर है ये तो मालूम होगा पर गई नहीं आज तक। वो बैंगलोर में थी जब उसने फर्स्ट टाइम ऑफिस में गई, फिर उसकी शादी हो गई, वो शिफ्ट हो गई चेन्नई के अंदर, उसके ऑफिस वालों को उसने इंटीमेट भी नहीं किया कि मैं शिफ्ट हो गई बैंगलोर से चेन्नई चले गए, उसने बताया भी नहीं, बताने की जरूरत ही क्या, उसने कभी ऑफिस का मुंह ही नहीं देखा, एक आधी बार गई होगी। तो चेन्नई से बैठकर काम करती है, मतलब उनके ऑफिस वालों को मालूम भी नहीं है चेन्नई से काम करती है, अभी तो पूना में है तो उसको ये भी नहीं मालूम कि पूना में है या बॉम्बे में है, चेन्नई में है, बैंगलोर में, हांगकॉन्ग में, सिंगापुर में, कुछ मालूम नहीं, बस उनका काम हो रहा है ना फ्लेक्सिबल टाइमिंग पे हो जाता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का मतलब है पॉजिटिव रहा बिहेवियर तो हम तुमको रेम्यूनरेट करेंगे, नेगेटिव रहा तो पनिश करेंगे। पॉजिटिव रेन्फोर्समेंट इज अ डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर एंड नेगेटिव रेन्फोर्समेंट इज द एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर। ये तुमको याद करना पड़ेगा। इफ अ वर्कर्स अराइविंग ऑन द टाइम इज पॉजिटिवली रेनफोर्स्ड और रिवॉर्डेड द प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस दैट वर्कर विल अराइव ऑन टाइम मोर ऑफन। यानी कि अगर तुम्हें यहाँ पे टाइम पे पहुंचने का कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है तो तुम टाइम पे पहुंचोगे। और जैसे विशाल रोज लेट आता है और अपन ने उसको कहा कि यहाँ पे आके देखो गाना गाना पड़ेगा रोज, तो कल से देखो टाइम पे आएगा। अपन यही करते हैं, मेरे लेक्चर स्टार्ट होने के बाद अगर कोई आया तो वो यहाँ पे आके गाना गाएगा, और मेरे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जो यहां पर आ गया उसको नहीं गाना गाना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड दे रहे हो तो कोई नेगेटिव कर रहा है ना उसको नेगेटिवली रेनफोर्स यानी कि पनिश भी करना जरूरी है। तो ये है तुम्हारा बिहेवियर में चेंज लाने का, समझा विशाल। अभी देखो टाइम पे आने के लिए ना 2 तरीके से मोटिवेट कर सकता हूं, कोई टाइम पे आ गया उसको कुछ अच्छा अच्छा बोल सकता है, और जो लेट आया उसको पनिश किया जाए। तो कल से ये रूल अपना स्टार्ट, हंस क्या रहा है, करना पड़ेगा। इन एडिशन इफ द वर्कर एक्सपीरियंस सम अनडिजायरेबल आउटकम ऑन अराइविंग लेट फॉर वर्क ईच एज अ वर्बल रिप्रिमांड द वर्कर इज नेगेटिवली रेनफोर्स्ड व्हेन दिस आउटकम इज एलिमिनेटेड बाय ऑन टाइम अराइवल। यानी कि अगर तू लेट आता है और उसके कारण तुझे कुछ पनिशमेंट मिल रही है तो तू कल से टाइम पे आने की कोशिश करेगा। लगता है कि नहीं ऐसा होगा,
तेसत प्रणव भी लेट आता है। अब ऐसे टाइम पे भी देखो इंडियंस क्या करते हैं, मैं तो लेट हो गया, दूसरे को भी लेट करते हैं उस टाइम पे। क्लास में एंटर करना रहता है तो तुम ना सबको रोक के रखते हो, समझो मान लो ग्रुप में आते हैं लोग जनरली, तुम देखना स्कूल में ऐसा होता था कि डांट पड़ेगी तो सबको पड़ेगी, एक को नहीं पड़ेगी, वैसा नहीं। फिर तुम ड्यूएट सॉन्ग गाना, एक लड़की की आवाज में एक लड़के की आवाज में, सोच लो कल लेट आए तो। लास्ट इज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। अनदर स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू एम्प्लॉयज मोटिवेशन इज टू अडॉप्ट अ सिस्टम ऑफ इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग। दिस विल एलिसिट एम्प्लॉयज कमिटमेंट इन एग्जीक्यूटिंग डिसीजन। फर्दर द सक्सेसफुल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन, एग्जीक्यूटिंग इट एंड देन सीइंग द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस विल हेल्प सेटिस्फाई वंस नीड फॉर अचीवमेंट, प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनहांस सेल्फ एस्टीम। बहुत सारे इन्होंने वर्ड्स यूज कर दिए। वॉट दे आर सेइंग इज कि मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व द स्टाफ इन मेकिंग डिसीजन, ताकि उनको थोड़ा सा वैल्यू भी लगे। देखो वहां पे एक वर्ड यूज किया उन्होंने, सेल्फ एस्टीम। रिस्पॉन्सिबल तो फील करेगा ही, साथ ही साथ उसकी एस्टीम, उसको अच्छा लगेगा कल करके मैं कोई भी डिसीजन ले रहा हूं। अच्छा सोचो, मैं क्लास का जब टाइमिंग डिसाइड करता हूँ, जब मैं तुमसे पूछता हूँ कि कल किस टाइम पर ले क्या करें, तुम्हें थोड़ा सा एम्पावर्ड फील तो होता होगा कि हाँ हमारी सुनी जा रही है। वो बात अलग है, नहीं सुनता हूँ मैं तुम लोगों की, अपने हिसाब से टाइमिंग रखता हूँ, पर एटलीस्ट तुम्हें फील तो होता है ना कि यार वी आर एम्पावर्ड, हमारे हिसाब से चल रहा है। लगता है कि नहीं लगता? लगता है। कई लोगों को मालूम है मैं सुनता नहीं किसी की, रहता वही टाइम है, फिर भी मैं तुमको थोड़ा सेटिस्फेक्शन के लिए हाँ ठीक है कर देंगे। तो बेसिकली पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट रहा तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबल भी फील होता है और तुम्हारे ईगो को यानी तुम्हारे इस्टीम को थोड़ा सा एनहांसमेंट मिलता है, तुमको तसल्ली मिलती है कि हाँ हमारी सुनी जा रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन में आई एम इक्वली इम्पॉर्टेंट। पर तुमको मालूम है कि स्टाफ की, ये तो सब ना बुक की बात है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए स्टाफ की कुछ खास इंपॉर्टेंस रहती ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम डूइंग जॉब। जैसे कि तुम आर्टिकल बनोगे, किसी के अंदर आर्टिकलशिप करोगे, तुम क्या हो बेसिकली, एक सस्ते मजदूर कहलाए जाओगे और तुमको बोला जाएगा आ जा डिसीजन हो रहा है ना तू आके बैठ जा, पार्टिसिपेट कर, बिठा देंगे और कुछ नहीं करवाएंगे तुमसे, बार बार बोलेंगे जा जेरोक्स लेकर आ, जेरोक्स लेके आओ। तो उनका तरीका है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट यहाँ पे बताने का, बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं तुमको बता दूँ, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के लिए ना तुम्हें अपनी जगह बनानी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं तो बड़े तो सब हो रहे हैं, जानवर भी बड़े हो रहे हैं, एंड ग्रोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एज, यानी कि इंसान तो बड़ा होता ही है उम्र में, पर तुम्हारी वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे क्रिएट नहीं होती है कि हाँ कल करके मैनेजर तुमको, तुम भलता ही कुछ बोलते हो, तुम तंबाकू खाते हो यहाँ बैठ के पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पर, कोई बिठाएगा क्या तुमको? या तुम्हें अगर कुछ बोला कि यार GDP बहुत गिर रहा है तो तुम बोलेगे हाँ भारत मूवी बहुत अच्छी थी, झापड़ मार के निकाल देंगे तुमको। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इज नॉट अ ईजी टास्क, क्योंकि इतना डाइवर्स वर्कफोर्स है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी वसुंधरा क्या सोच रही है पता करना मुश्किल है, नामुमकिन है, फिर भी उसको पार्टिसिपेट करने के लिए बोलना, कुछ आउटकम निकल के आएगा क्या? अभी अपन वसुंधरा से कुछ पूछे तो उसके दिमाग में पता है क्या चल रहा है, गणपति कल बिठाए थे, मोदक खा के आई वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, और क्या चल रहा है दिमाग में? बस में लास्ट सीट मिली थी या फ्रंट सीट थी? ट्रेन से आई, ठीक है ट्रेन, बस की लास्ट सीट में बैठे ना, जैसे तवे पे पॉपकॉर्न उछलता है ना, वैसे महाराष्ट्र के लाल डब्बे में लास्ट सीट पर बैठ गए, ऐसा हवा में उछलते हो, और जनरली बेचारे बुजुर्ग लोगों को सीट मिलती है, उनको मालूम नहीं रहता, वो ले लेते हैं, वो टिकट पे नंबर भी नहीं देखते, अंदर जाके देखते हैं, भयंकर है भाई महाराष्ट्र की बस। तो सोते सोते नहीं आए क्या तुम? तेरे यहाँ पे क्यों सो रहे हैं? हाँ अभी इसको पार्टिसिपेशन में लिया अपन ने, वसुंधरा कल क्लास का टाइमिंग क्या रहेंगे, क्या बोलेगी अभी इसका सोचो तुम? हाँ जो करना है करो, मैं तो आके सोने वाली बस, बराबर है। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इज नॉट इजी टास्क कि तुम हर एक को बोलोगे, पियून को भी बोलोगे आ जा तू भी आ जा पार्टिसिपेट कर, ऐसा नहीं होता है। मोटिवेट करने का मैं तुमसे एक इन जनरल पूछ रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है इन सारे तरीके में से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता होगा? अच्छा मयूरेश तुझे क्या लगता है, तुझे मोटिवेट करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है तेरे लिए? फ्लेक्सी टाइमिंग तेरे लिए कम्युनिकेशन, तेरे को रिकॉग्निशन चाहिए, तुझे सेंस ऑफ बिलोंगिंग सिक्योरिटी एंड रिकॉग्निशन चाहिए। तो अभी इससे ना बंदों के नेचर समझ में आते हैं। हाँ तुझे फ्लेक्सी टाइमिंग, जॉब एनलार्जमेंट ज्यादा काम दो या जॉब एनरिचमेंट मोटिवेशन दो,
क्या? जॉब एनरिचमेंट, हाँ, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन में पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, यानी अच्छा करो तो रिवॉर्ड मिलेगा तुम्हें। सुष्मिता, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ओके। वसुंधरा, फ्लेक्सी टाइमिंग, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हें सोना था तो तुम्हें फ्लेक्सी टाइमिंग ही चलेगा। प्रणव, फ्लेक्सी टाइमिंग। मैं नेगेटिव में जाता हूँ, मेरे को नेगेटिव पसंद है। मेरे को किसी ने बोल दिया ना कि हाँ तेरे को वेट करना पड़ेगा ये चीज़ करने के लिए, बस सामने वाले ने गलती कर दी, फिर मैं तोड़ के जाता हूँ उस चीज़ को। किसी ने मेरे को अगर बोला कि भाई तेरे से ये नहीं हो रहा, बस खत्म, वो चीज़ मैं प्रो करूंगा, मैं एक्सल करके जाऊंगा। तो मेरे लिए नेगेटिव है, ठीक है, मुझे पर्सनली पसंद है इसको। मैनेजल कम्युनिकेशन, जॉब डिजाइनिंग के मैक्सिमम लोग जॉब डिजाइनिंग के थे, और एक ये थी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। अब जरा समझो कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। तुम वर्कफोर्स हो, तुमसे मेरे को काम करवा के लेना है, तुम्हारे हिसाब से प्लान चूज करने पड़ रहे हैं अभी मुझको। अभी मैंने पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट रखा तो आधे लोग नाराज है, अकेले खुश है। मैंने जब ये रिकॉग्निशन वाला पार्ट रखा, मैनेजर कम्युनिकेशन, ये अकेला खुश है, बाकी सब नाराज है। फ्लेक्सी टाइम रखा तो दो चार लोग खुश है, बाकी लोग नाराज है। ये सपोर्टिव एक्टिविटी है, तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई खुश नहीं रहता और कोई भी एक्टिविटी सक्सेसफुल नहीं रहती 100%। समझ में आया? बस आज के लिए इतना ही। बाय बोलो। परसों हो जाएगा ये चैप्टर। चलो मिलते हैं कल।